भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार इन दिनों खंडवा जिले के 3 दिवसीय दौरे पर है। वे सोमवार ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन कर पूजन अभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ मानधाता के युवा नेता दीपक पटेल सहित भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं के साथ ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में प्रसादम योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य किए जाएंगे। ओंकारेश्वर धाम में कितनी बेहतर सुविधाएं हो सकती है, इस बात के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और आदरणीय मोदी जी की जो प्रसादम योजना है, जिसके तहत 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज ओंकारेश्वर को मिला है, और भी जो विकास की संभावनाएं और गुंजाइश है, उन सारी चीज़ों के लिए इस धर्मस्थल की और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश की और चाहे हमारा केंद्र का नेतृत्व, दोनों ही इस बात के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। मानधाता से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।